हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड आप भी यदि आप चाहते हैं कि आप लोग SST में 80 ला पाएं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो संकल्प है वो और भी दृढ़ हो जाएगा, आप और भी अग्रसर हो जाएंगे 80 लाने के लिए। क्योंकि आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है। उसके बाद ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में जितने भी इस प्रकार के टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव टेक्निकल टर्म और टू फॉल्स दिए गए हैं, आपको इन सारे को कर लेना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोगों को ये करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसलिए आप लोग पहले तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। एंड मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और टू फॉल्स में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा ब्रीफ वाले क्वेश्चन से बताता हूँ। देखिए, ये जो है D का 1 और D का 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, D के 2 वाले क्वेश्चन का रूप बदल के आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था आपके पिछले एग्जामिनेशन में। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस बस आप लोगों को बताना था। एंड यहाँ पर भी यही बताना है कि ह्यूमन बींग जो है किस प्रकार से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छे रिसोर्स है। ओके, ये आप लोगों को वहां पे ही बताना था, यहाँ पे ही बताना था। क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया, क्वेश्चन के शब्द पलट दिए गए, आपका क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो सेम जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ E का 1 एंड E का 3, ओके, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यदि आएगा तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग कुछ चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डेफिनेशन आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस डेफिनेशन आ सकता है, उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी इन सारे के डेफिनेशन आ सकते हैं, डिफरेंशिएशन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ओके, बस आप लोगों को ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट्स पढ़ें। मैंने आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे Chapter 2 के A से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा करना है, ये पूरा करना है एंड बेसिकली टिक द करेक्ट ऑप्शन भी पूरा करना है। ओके, हम लोग ब्रीफ वाले क्वेश्चन के बात कर लेते हैं। तो देखिए, डी का यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यदि हम लोग लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा जाता है, आप लोगों को थोड़े कम शब्दों में अच्छे से आंसर को फ्रेम करना आना चाहिए। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें तो E का 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, E का 4 एंड 5, बेसिकली पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो ये पांचों क्वेश्चन अपने लेवल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको सॉइल का कंजर्वेशन बताना है, फिर वाटर का बताना है, फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये बताना है, लैंड यूज पैटर्न क्या होता है ये बताना है, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं ये बताना है। तो ये पांचों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन पांचों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख सकते हैं कि 5 मीटर्स आप लोगों को वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बताने थे, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है एंड हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाएं।
स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A का 3rd एंड A का 4th, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ब्रीफ वाले क्वेश्चंस के आंसर्स की बात कर लेते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को डी का 1 आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, डी का 2 रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आ सकता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, डिस्टिंग्विश तो बिल्कुल आ सकता है, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीजर्स फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये भी आ सकता है। तो ओवरऑल ये पांचों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में ये पांचों क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने इंपॉर्टेंट के नाम पर पांचों का क्वेश्चन टिक करा दिया, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, मैंने यहाँ पर फील किया है ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि पांचों अपने लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है उसका एक अलग लेवल है, उसके साथ साथ ये जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अपने लीव्स को समर के टाइम में क्यों रिलीज कर देता है या फिर मोस्ट शेड कर देता है, दो हम लोगों को चीज बताने हैं इसके, अब 3 फीचर्स बताने हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के, तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, यदि हम लोग ई की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आ सकता है, तो ई का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटेक्स से, ये आपके चैप्टर से के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाला टॉपिक आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, एंड देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 5 आपको फीचर्स बताने हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों का एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट भी आ सकता है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, डेसिडियस फॉरेस्ट वाला आप लोग जानते होंगे। ओके, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एंड ये जो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ये आपके सिर्फ पीटीज में आएगा यानी पीरियोडिक टेस्ट में। ओके, तो हम लोग इसे नहीं करते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं, इस चैप्टर नंबर 7 से कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जानते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कभी ना कभी क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन आपके डीवी बोर्ड के द्वारा घुमा घुमा के अलग अलग सीजन में अलग अलग सेशन में रिपीट किए गए हैं। ओके, तो इन 100 क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, मैंने इसे पहले से भी टिक करके रख दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो इन 10 क्वेश्चंस का आप लोगों को कर लेना है स्टूडेंट्स, बिना एक भी क्वेश्चन को स्किप किए हुए 10 क्वेश्चंस को कीजिएगा। गाइस देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है मॉडर्न ट्रेड, इसमें समथिंग टू नो में आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके लिए एक टिप है मेरे पास, टिप ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या करना है ना, कि जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग स्टेट द टेक्निकल टर्म, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये सारा पहले आप लोग अपने बुक से कर लीजिएगा। बट मैं आपको MCQs के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो ये बुक रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यूज पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर से जरूर इस चैप्टर से करके जाएंगे। ओके, अब आपको मैंने पहले बोला कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जरूर से जरूर पूरा करना है, एंड अभी नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है, एंड इस चैप्टर को भी ब्रीफ क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर डी का 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर डी का 5। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको डीवी क्लास 8 SST के लिए आपका सिलेबस भी बता दिया है, यदि आप लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको यही पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग जरूर से जरूर सिलेबस को देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, अब यदि हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है MCQ के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एंड यदि हम लोग ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है,
ये जो भी रिवॉल्व हुए थे ये अच्छे तरीके से कर लेना कि किसने कैसा रिवॉल्व किया था 1 और 2 मार्क्स में, कि क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कुकीज ने कैसा रिवॉल्व किया था, कहाँ पर किया था, कब किया था, कौन ने कब कैसा क्यों रिवॉल्व किया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलोनियलिज्म का इंडिया के क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये भी आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट से थे। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 11 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग चैप्टर 11 के एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यू के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कॉजेस 5 कारण क्या क्या थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बट एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर ही लीजिएगा, ओवरऑल ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी डीवी बोर्ड रिपीट कर चुका है या फिर दे चुका है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम लोग कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ना बेसिकली 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चंस इस पेज से देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ द रिवोल्ट की बात करें तो आपको ऐसा भी कभी कभी पूछा जा सकता है बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन में या फिर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन में, कि कॉजेज ऑफ रिवोल्ट में पॉलिटिकल कॉज कैसा था या फिर मिलिट्री कॉजेज कैसे कैसे थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या था। तो इस प्रकार से भी आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को करेंगे एंड पूरी अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ेंगे। एंड आप लोगों को ये जरूरी है कि चैप्टर को अच्छे से समझें, तो चैप्टर को समझने के लिए आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी चैप्टर बहुत लेंथी है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चैप्टर है ये मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हुई थी हमारे इतिहास में जिसके बाद भारत आजाद हो पाया, जैसे कि जालियांवाला बाग मास्केर, इस प्रकार की चीजें हुई थी, इतने लोग हमारे देश के घायल हुए थे, शहीद हुए थे, उसके बाद ही हमारे देश को आजादी मिली थी। ओके, तो ऐसी जो चीजें हैं ये सब पढ़ने में, इतिहास जानने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमारे देश के बारे में, कितना मुश्किल लगा हमारे देश को आजाद कराने में। ओके, तो ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों का ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर है। ओके, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब कि भारत के इतिहास में भारत कैसे आजाद हुआ, इस बारे में ये पूरा चैप्टर है। ओके, कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए थे, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। एंड ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, यदि आपने अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप ये जान गए होंगे बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत चीजें दी गई है, एंड ओवरऑल ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2nd एंड क्वेश्चन 3rd, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कॉल मॉडरेट नहीं थे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स ब्रीफ वाले क्वेश्चन की, तो ब्रीफ वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ओवरऑल आपको पूरा क्वेश्चन करना है, बट मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसा नहीं जो क्वेश्चन में गाइज मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं वो नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, वो भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है एंड कौन से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको भी छोड़ देना है, आपको तो ओवरऑल पूरा क्वेश्चन करना है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसे भी आप लोग करें, ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दें। बट हाँ, जो क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूँ उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे करके करिएगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें ई क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग चैप्टर से कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान क्या हुआ था, क्या रीजन दिया गया था,
बंगाल के पार्टीशन के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, उसके साथ साथ महात्मा गांधी जब पॉलिटिकल सीन में आए इंडिया के तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। ओके, मॉन्टेग्यू ट्रांसफर रिफॉर्म्स क्या था, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। रॉलेट एक्ट के बारे बिल्कुल आ सकता है। जालियांवाला मास्केयर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओवरऑल पूरा चैप्टर मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन में ये पूरे चैप्टर से कोई कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, लाहौर सेशन हो चाहे चौरी चौरा हो, कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सिविल डिसोबीडियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको भी आप लोग। ओके, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, और या फिर ऐसा आ सकता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट सुभाष चंद्र बोस, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इसे जरूर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यदि हम लोग यहाँ पे ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास है स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, यदि आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैथमेटिक्स के एंड साइंस के एंड एसएसटी के भी। यदि आप चाहें तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्प पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं गाइस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चैप्टर है सिविक्स का, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब गाइस आपके लिए एक और अच्छी बात, आपको क्या करना है कि जितने भी वन मार्क्स टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिए गए हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, तो पहले आप लोग उन सारे को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो कोई भी आ सकता है। ओके, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन का बता दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियोस में ही बताया है। तो यहाँ पे ए का वन एंड ए का थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार एनालाइज किया स्टूडेंट्स, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ये देख के कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ की, तो यहाँ पे डी का थर्ड एंड डी का फिफ्थ, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी का फोर्थ भी कर लीजिएगा और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ई का वन, क्वेश्चन नंबर ई का फाइव एंड क्वेश्चन नंबर ई का थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन एनी टू प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन प्रोसीजर होते हैं, दो बताने थे एंड देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये टिक भी करवा दिया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो मैं ऐसे ही टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैंने बहुत देर तक क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैंने आपको किसी भी सब्जेक्ट में टिक करवाए हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में सैलियंट फीचर्स आ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेसिक फीचर्स, वही आपको शब्द बदला जाएगा, आंसर सेम जाएगा दोनों में, सैलिएंट फीचर्स पूछा जाए या फिर बेसिक फीचर्स पूछा जाए। ओके, आपको ये सिंपल डेफिनेशन एक दो मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन सॉवरिजन, डिफाइन सोशलिस्ट, डिफाइन सेक्युलर। एंड देखिए यहाँ पे इंडिया के बारे में, सेक्युलर स्टेट के बारे में जो दिया गया, इंडिया सेक्युलर स्टेट, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में, स्टेट एनी वन बेसिस फॉर इंडिया टू बी सेक्युलर स्टेट, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसके पीछे का क्या एक रीजन है ये आपको बताना है। ओके, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इंडिया में किसी भी बेसिस पर किसी भी रिलीजन के पक्ष में विपक्ष में नहीं कहा जा सकता है, किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सभी के पास इक्वल राइट्स होते हैं हमारे इस देश प्यारे देश भारत देश में। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका लेंथी चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर में दिए गए एक एक चीज को समझाया है। ओके, यदि आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि गाइस मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी ये बात बताया है कि आप लोगों को आंसर्स को रटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे आप एग्जाम में अंदर से आए हुए क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जरूर जरूर चैप्टर को समझें।
अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग पांचों एमसीक्यूज को कर लीजिएगा। ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग चैप्टर 18 की बात करें, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने चैप्टर को नहीं समझा है तो आप लोग चैप्टर को जरूर जरूर समझ लीजिएगा, आपको चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, ए का 1 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद ए का 4 एंड ए का 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें बी वाले क्वेश्चन के आंसर्स की, तो यहाँ पे डी का 3 एंड डी का 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी का 1 भी आप लोग कर ही लीजिएगा। गाइज, मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एंड जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल आपको पूरा क्वेश्चन याद करना है, समझना है, चैप्टर को समझना है। ओके, फिर बाद में आप पूछिएगा सर आपने जो क्वेश्चन बताया या फिर जो क्वेश्चन छोड़ा वो नहीं आ रहा था या फिर वो आ गया, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा स्टूडेंट्स, बस मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब यदि हम लोग ई क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ई का 1, क्वेश्चन नंबर ई का 3 एंड क्वेश्चन नंबर ई का 4, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर ई का 5। ओके, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन मेरी नजरों से छूट गया था, बट ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपको दो एडवांटेजेस बताने हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं, अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यदि हम लोग अंदर के क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको इन तीनों लिस्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि तीनों लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या क्या फंक्शंस है। ओके, आपको लोकसभा के बारे में सारी चीज़ें आनी चाहिए, उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होते हैं मेंबर बनने के लिए, क्या टेन्योर होता है एंड क्या पावर और फंक्शन होते हैं स्पीकर्स के। ओके, राज्यसभा के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानिएगा स्टूडेंट्स, प्रिसीडिंग ऑफिसर के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब देखिए पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो आपको सिर्फ ऐसा भी बोला जा सकता है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स बताइए या फिर सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स बताइए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको यूनियन पार्लियामेंट के सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स यानी ये वाला बताना था। ओके, तो जब तक आप लोग इन पांचों या छहों को नहीं जानेंगे आप लोग कैसे बता पाएंगे स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझें, एक एक क्वेश्चन को समझें, उसके बाद उसे एग्जामिनेशन में जाकर के लिखें। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये भी चैप्टर एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि हम लोग ब्रीफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 1, 3 एंड 4, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कि किसी एक को ही डिफाइन करने दे दिया जाए, जब तक आप लोग पांचों को नहीं जानेंगे आपको दिक्कत होगी एंड यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पीछे वाला चैप्टर था ना लेजिस्लेचर वाला, वहाँ पे ये स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है ये पूछा गया था और तीन पावर और फंक्शंस भी पूछे गए थे, तो आप लोग उसे जरूर से जरूर मार्क कर लीजिएगा। मुझसे वो वाला क्वेश्चन छूट गया था, मैंने जैसे ही अभी देखा मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आ सकता है या फिर प्रेसिडेंट के किसी एक पर्टिकुलर पावर, जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द या फिर स्टेट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो आप लोगों को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन क्या क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन, इसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 20 के, दैट इज द जुडिशियरी वाला चैप्टर, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इसे अच्छे से पढ़े होंगे मैं उम्मीद करता हूं एंड आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लिया होगा या फिर समझ लिया होगा। ओके, यहां पे आपको बहुत सारे कोर्स के बारे में दिया गया है और सारे कोर्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैप्टर को समझें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर ए का 2, ए का 4 और ए का 5, ये
तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, डी का वन, डी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई का वन, ई का टू एंड ई का फाइव, ये भी तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फोर और थ्री भी पूछा गया है, तो ओवरऑल ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गाइज, एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है कि सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से जाने, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज एंड टेन्योर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में कर लीजिएगा, एंड जितने भी छोटे छोटे कोर्स दिए गए जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्स, सिविल कोर्स, क्रिमिनल कोर्स, रिवेन्यू कोर्स एंड लोक अदालत, डेफिनेशन के रूप में आ सकता है, जिसमें कि लोक अदालत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ओके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इसे आप लोग जानते होंगे, बट इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिविक्स का पूरा देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब कोई भी चैप्टर आगे आपको नहीं पढ़ना है, आगे के दोनों चैप्टर्स डिलीटेड है, दैट इज 21 एंड 22, तो आप लोग आगे के चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरे मेंबरशिप का भी लिंक दिया गया है, तो यदि आप मुझसे और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेंबरशिप का प्राइस ज़्यादा नहीं रखा है। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उसके साथ साथ कुछ यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।